ये यहाँ पर इनका देखो सब्जी मार्केट है, ऐसा करके पुदीना भी है यार देखो, पोलियो हो गया इनके लोगों को। 1 किलो, हाँ 1 किलो। Your age? Age. मतलब आपको यकीन नहीं होगा यहाँ पर भी गन्ने का जूस मिल रहा है। तो मैंने बस गन्ने का जूस देखा। हेलो, हाउ हाउ मच? आई एम फाइन। ओ ब्रदर, यू नो इंग्लिश? वन। या हाउ मच एंड यू मेकिंग अ जूस? ओ हाउ मच इन 1 ग्लास? आई वांट 1 ग्लास जूस। How many? How much? 50,000? 15,000? अच्छा 15, 15? Yes. 15? Yes. 15. 15? Yeah, make this. More 1 glass. चल गई है यहाँ पर मशीन। You have to eat it down here. Okay, thank you. ये देखो इनके गॉड हैं। They look like. This is your god? Name? तो इनके ये गॉड है बरसात का मौसम। अंताई। तो इनके जो गॉड है वो है औंदे और अंताई। देखो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं पहले हाथ जोड़ ले रहा हूँ औंदे और अंताई को, माफ कर देना। और हेलो, यू लुकिंग सो कूल। इस प्रकार का है और इनकी एक अच्छी खास बात मुझे ये लगी कि ये लोग ऐसा करके ना इनकी अजीब सी ये बर्फ होती है इनकी, ये देखो गोल गोल टाइप से बर्फ होते हैं और सब ऐसे ही दे रहे हैं ऐसा करके वो करके ऐसा करके। तो आप अपन चलाएंगे भाई, बट तुम्हें मैं क्या बताऊँ, इन बंदों ने इसमें दिल जीत लिया। इन्होंने ये समझ लो कि इंडिया वाले तो केवल एक पुदीना और वो डाल देते हैं, इसमें पता नहीं इन्होंने क्या क्या डाल रखा है और अच्छा लग रहा है मुझे, 1% अच्छा ही लग रहा है। इतनी प्यारी प्यारी सी लड़कियां हैं, मैं क्या करूं देखने वाले। हेलो, जो लोकल्स होते हैं वो हमसे बात वैसे नहीं कर रहे हैं, मतलब बात कर ले रहे हैं लेकिन ऐसा ही है। चलिए कोई बात नहीं यार, मतलब क्या वक्त से दिखाने लग जाता हूँ। हाउ मच? ये बताता हूँ, तो ये है भाई वो ऐसा करके गुड, इट्स गुड, वेरी गुड। इतना अच्छा नहीं लग रहा यार मुझे, मतलब है तो गुड लेकिन इतना अच्छा नहीं है। इंडिया, यू नो इंडिया? यू गो? ये मुझे आला आला कह के गई है, देख लूँ पहले सर्च करके देखता हूँ आला का मतलब क्या। यू फ्रॉम आला? अभी एक वियतनामी लड़की मुझे आला कह के गई थी, आला आला ऐसा करके। तो अभी मैंने आला का मतलब सर्च कराया तो इसका मतलब होता है हिंदी में नमस्ते। तो नमस्ते वियतनामीज गर्ल, नमस्ते, यू नो आला, ये तो समझ लो आला, नमस्ते आला। भाई साहब इतना ठंडा खा लिया ना मैंने, गला ही बैठ गया यार मेरा, अब नहीं खाऊंगा कुछ भी ठंडा पिंडा। अच्छा ये क्या है? आई थिंक दैट इज द क्लोथ। अच्छा फ्लावर्स, तो ये आ गया यहाँ का, ये यहाँ का है स्ट्रीट, स्ट्रीट स्नेल। अंडे वाली जो जगह है वो पता है आपको, आप देखो महसूस तो नहीं कर सकते बट बहुत गंदी आ रही है मुझे यहाँ पे स्मेल, अजीब सी टाइप। हाय। अच्छा ये सब्जी मार्केट, तो ये है भैया इनका सब्जी मार्केट, इधर ही देख लेते हैं। इधर सब्जी काफी टाइप्स की है।
अरे बीफ भी मिलता है यार यहाँ पे, मतलब बीफ में शायद बहुत गंदी आ रही है बट मुझे बट हाँ ये खाते हैं हाय। जिसको समझ में आती है वो रिप्लाई कर देता है, जिसको समझ में नहीं आती है वो रिप्लाई नहीं करता है। इनका ये गोजैक गोजैक मेरा उड़ान आ गई। ओह माय गॉड, अच्छा ये कोई स्ट्रीट है इनकी, मिठाइयाँ फ्रूट वूट कुछ ऐसे करके है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, और इससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, स्पेशली मेरे गाँव के लोग देख पा रहे हैं जैसे कि हाँ मैं कैसे घूम रहा हूँ। लेकिन इतना तो हाय इतना तो आसान, जो जो मेरे को देख लेता है ना उसी को ही मैं हाय करने लग जाता हूँ। ओ एप्पल, हाँ चीज़ें समझ में आ गई हैं एक दिन के अंदर, कैसे कैसे है क्या चीज़ कितने रुपए में है कैसे है, जो मुझे पहली बार बोल दे रहा। लेकिन हाँ बार्गेनिंग भी करनी पड़ेगी, वो जो पाव दे रहे थे ना वो मुझे बताया था 25,000 का, लेकिन मैंने बोला कि आई मैंने यस्टरडे तो इतने में नहीं ख़रीदा था, तो उन्होंने कहा 20,000 ही दे दो। तो ऐसा करके भी आप बार्गेनिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। एक बार ही घूम कर आते हैं। हाय, ये है यहाँ का सब्जी में। हाय, व्हाट्स योर नेम? वो ये यहाँ पर इनका देखो सब्जी मार्केट है, ऐसा करके पुदीना भी है यार, देखो पुदीना सब्जी सब्जी ये। ओ एंकर यू सी, एंड ये लौकी और गाजर कैसे हैं यहाँ के, मतलब हैं तो हमारे इंडिया जैसे ही लेकिन थोड़े अलग हैं और थोड़े डिफरेंट हैं। ओह बाजार उठ गया है, लग रहा है ख़त्म हो गया है बाजार अब। जामुन, बरसात हो गई है ना तो शायद इसी वजह से चले। अब केले, पोलियो हो गया इन केलों को केलों को लग रहा है पोलियो हो गया इनको आई थिंक। ये है अमरूद, और ये देखो सेब कैसा करके बेच रहे हैं ये मैंगोस। ओह हल्दी, गाजर, मूली। हेलो, हाउ मच? 1 किलो। हाँ 1 किलो, हाउ मच? वियतनाम इज डाउन डाउन एंड 5 1 किलो 1 किलो 5 एंड 5 यो Oh, 5, 1 किलो, give me. तो ये अप्रोक्सीमेटली करीबन बिना तो 20 रुपये का है 1 किलो। आई थिंक यार बाजार में तो काफ़ी सस्ता है, वहाँ पर मेरे से लूट लिया था। 5, तो रुकिए ज़रा 5 कर देते हैं इनका। अब लग रहा है 5 रही है 10 मांगेंगे। अरे अरे यो किलो 13, 5 नहीं है भैया 13 है, 13 मीन्स तो ये काफ़ी है। तो केले का जो प्राइस है ये पड़ा है 13। तो एक चीज़ मुझे काफ़ी डिफरेंट नज़र आई जो कि इंडिया में नज़र नहीं आती है, और वो है देखो ये व्हाट इज दिस 1 किलो 3,000 20,000 तो आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं। जो भी है ऐसे ना पर्ची वाले मैंने कई सारे देखे हैं।
चलिए कोई बात नहीं यार, मैं खाकर, मेरा मन कर रहा है खाकर देखने का, लेकिन आई वॉन्ट ओनली वन वन ओनली वन वन या ओ कैन आई भाई दो इले खाकर बता दो मैं कैसी है। मेरे को ऐसी है कुछ, आप भी खाइए मेरे साथ। लीची के जैसे ही टेस्ट है इसका, ले लो ये लो। अच्छा टू ये लो, ओके चलो चला तो जाता। अरे वो मैंने जाने को तो मैं ऐसे भी चला जाता, लेकिन मैं पैसे देकर जाऊंगा यार, मैं किसी का ऐसा कुछ नहीं खाता ना। जैसे यार मैं जा रहा था घर को तो मुझे ये नज़र आया, मतलब हर जगह स्ट्रीट लाइफ है यहाँ पर, दिन में कुछ और रहता है, रात को कुछ और रहता है यहाँ। What is this? Massage? No, I don't want massage. What is it? Thank you, brother. Thank you. So, what is up, guys? तो भैया जी मिले थे यहाँ पर, बस तो भैया जी मिले थे यहाँ पर। यहाँ पर देखो साइकिलें भी रेंट हो जाती हैं, ये वाली जो साइकिल्स है ना यारी, तो ये साइकिल भी रेंट हो जाती हैं, लेकिन इनको रेंट करने के लिए हमें $2 की ज़रूरत पड़ती है, $2, लेकिन ये नहीं पता कितने टाइम के लिए। लेकिन यहाँ को ये पार्क टाइप सा लग रहा है, तो मैं यहीं बैठा था, और मेरा होटल जो यहाँ से 300-400 मीटर दूर है। ओ, ये बाइकर कैसी है? तो गाइस ये है मेरा होटल। तो गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पर जो हॉस्टल से मैं सोच रहा था कि यहाँ पर केवल बॉयज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर गर्ल्स भी हैं 3-4, एंड दी कोरियन गर्ल्स भी, मेरे सामने कोरियन गर्ल्स हैं। और ये देखिए, हेलो मैम, प्लीज़ हेल्प मी, व्हाट्स योर नेम, प्लीज़ होल्ड दिस। नीचे आ गए हैं, बात करते हैं इन सभी से। तो यहाँ पर ये सब मेरे फ्रेंड बन गए यार, दैट इज़ दी सो फ्रेंडली, दिस इज़ सो फ्रेंडली। योर एज? मुझे नहीं पता कि कह रहा। हेलो ब्रदर। तो फाइनली गाइस मेरा जो डे टू है वो कंप्लीट हो गया है, और डे टू में मैंने सबसे पहले तो मैं म्यूज़ियम गया था, म्यूज़ियम देखा था, उसके बाद मैं अपने हॉस्टल आ गया था, हॉस्टल के बाद मैं बस ऐसी खाना पीना खा करके स्ट्रीट लाइफ देखी थी वहाँ पर, कि यहाँ सब्जियाँ कैसे बिकती हैं, वहाँ पर मैंने केले खरीदी थी। यार लाइफ में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम देखी है, और मैंने कोशिश करी है कि आपको भी सेम वही एक्सपीरियंस दूं, अपने ही जैसा जैसा मेरे को महसूस हुआ है आपको भी सेम वैसा ही महसूस होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आप मेरे साथ ही घूम रहे हो। तो दोस्तों कल से मेरा डे 3 स्टार्ट होने वाला है, डे 4 में मैं जाऊँगा हनोई, तो वो ज़रूर देखेंगे हनोई। यहाँ से मैं लोकल एयरपोर्ट से जाऊँगा, मतलब फ़्लाइट लेकर जाने वाला हूँ। तो फाइनली आज के डे 2 में बस केवल इतना ही, डे 1 का अगर आपको वीडियो देखना है तो ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसके साथ ही मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं आपसे डे 3 में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।